नमस्कार बच्चों आज हम चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट की पढ़ेंगे थ्योरी और उसमें जो भी हमने फॉर्मूलेस काम लिए हैं उसका करेंगे एक छोटा सा रिवीजन तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट की थ्योरी से इस चैप्टर में थ्योरी के बहुत कम पॉइंट दे रखें फर्स्ट पॉइंट थ्योरी का दे रखा है वॉट इज़ जॉइंट प्रोडक्ट जब हम एक रॉ मटीरियल को सिंगल प्रोसेसिंग से अलग अलग आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं ईच प्रोडक्ट इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट जो भी ज्वाइंट प्रोडक्ट होते हैं उनकी ऑलमोस्ट वैल्यू इक्वल होती है तो डेफिनेशन याद रखिए टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल इंपोर्टेंस प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम प्रोसेस विथ ईच हैविंग ए सिग्निफिकेंट रिलेटिव सेल्स वैल्यू आर नोन एज जॉइंट प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ऑयल इंडस्ट्री गैसोलिन फ्यूल फ्यूल ऑयल ल्युब्रिकेंट पैराफिन कोल तार कैरोसिन आर ऑल जॉइंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्राम क्रूड ऑयल हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं एक रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल एक प्रोसेसिंग और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं और जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू के होते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू के होते हैं ईच प्रोडक्ट इज कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट सेकेंड इज बाई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन करते हैं उस समय बाई प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है बाई प्रोडक्ट इज ए सेकेंडरी और सब्सिडरी प्रोडक्ट विच एमिनेट्स एज ए रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल ग्लीसरीन ऑबेंड इन द मैन्यूफेक्चर ऑफ सोप ज्वाइंट प्रोडक्ट और बायो प्रोडक्ट का सबसे मेन जो डिफरेंस है वो है वैल्यू का बायो प्रोडक्ट वो होते हैं जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है और ज्वाइंट प्रोडक्ट वो होते हैं जो ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू के होते हैं राइट को प्रोडक्ट टू और मोर प्रोडक्ट विच आर कंटेम्परे बट डू नॉट एमर्ज ने फ्रॉम द सेम मटीरियल और सेम प्रोसेस और बोथ फॉर एग्जांपल टिम्बर बोर्ड मेड फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज आर को प्रोडक्ट देखो ज्वाइंट प्रोडक्ट में क्या होगा एक रॉ मटेरियल होगा उसको प्रोसेस किया जाएगा प्रोसेस और अलग अलग प्रोडक्ट बन गए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए इट इज ज्वाइंट प्रोडक्ट ये जो भी है ये जॉइंट प्रोडक्ट है को प्रोडक्ट कैसे हो सकता है रॉ मटेरियल वन रॉ मटेरियल टू रॉ मटेरियल थ्री इनको प्रोसेस किया और अलग अलग जॉइंट प्रोडक्ट बन गए ये जॉइंट अलग अलग प्रोडक्ट बन गए ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है ये हो गए को प्रोडक्ट ये जो भी प्रोडक्ट बनेंगे ये सारे के सारे क्या है को प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल एक नहीं है को प्रोडक्ट और कैसे हो सकता है रॉ मटेरियल एक है बट उसको अलग अलग प्रोसेस किया जा रहा है प्रोसेस 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 और हर प्रोसेस से एक डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है ये सारे प्रोडक्ट भी को प्रोडक्ट है या ऐसा हो सकता है रॉ मटेरियल इसको प्रोसेस किया प्रोडक्ट बना एक दूसरा रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस किया प्रोडक्ट बना एक तीसरा रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस किया और प्रोडक्ट बना ये सारे भी को प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट के लिए सिंगल रॉ मटेरियल, सिंगल प्रोसेसिंग एंड द रिजल्ट इज मोर देन वन प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट आर जॉइंट प्रोडक्ट अगर रॉ मटेरियल एक से ज़्यादा है या प्रोसेसिंग एक से ज़्यादा है या दोनों ही एक से ज़्यादा है तो जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो जॉइंट प्रोडक्ट नहीं होंगे वो को प्रोडक्ट होंगे राइट जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या मेन डिफरेंस जो है वो है वैल्यू का जॉइंट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू के होते हैं और वो जो वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है बट इन केस ऑफ बाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट वो होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है जैसे मान लो हमने एक रॉ मेटेरियल को प्रोसेस किया और उससे चार प्रोडक्ट बने ए बी सी डी ए बी सी तो ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू के हैं मगर डी की जो वैल्यू है वो बहुत कम है ए बी सी ऑलमोस्ट उनकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली दो लाख मगर जो डी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू केवल और केवल पांच हजार रुपये ही है तो यहाँ पर डी क्या हो गया बाई प्रोडक्ट बिकॉज उसकी जो वैल्यू है वो अदर प्रोडक्ट की वैल्यू के कंपेयर में बहुत कम है तो जो बेसिक डिफरेंस है जॉइंट प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट वो मोस्टली पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है राइट देन मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ बाई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के वैल्यूएशन का क्या मेथड है या बाई प्रोडक्ट के वैल्यूएशन का मेथड ठीक है फर्स्ट नेट वैल्यू बाई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन हम कर सकते हैं इसके लिए टोटल हमें चार मेथड दे रखे हैं पहला मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू नेट रिजल वैल्यू हमने जॉइंट प्रोडक्ट में भी पढ़ा है नेट सेल्स वैल्यू मतलब में से जब हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करते हैं द रिजल्ट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो जॉइंट ये जो बाई प्रोडक्ट है उसका वैल्यूएशन का पहला मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट वैल्यू इसमें पहले से स्टैंडर्ड प्राइस मतलब उसका वैल्यूएशन की क्या रेट होगी वो पहले से डिसाइड कर ली जाती है और उसी रेट पर हम बाई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करते हैं कंपेरेटिव प्राइस वैल्यू विथ रेफरेंस टू द प्राइस ऑफ ए सिमिलर और एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जैसा ही कोई और प्रोडक्ट है उसकी क्या प्राइस है उसकी क्या वैल्यू है उसी वैल्यू के हिसाब से हम बाई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कर सकते हैं सिमिलर प्रोडक्ट के जैसे या वैसा का वैसा प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट पर अवेलेबल होता है उसकी क्या प्राइस होती है हम उसी प्राइस पर बाई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कर सकते हैं री यूज बेसिस इफ़ बायो प्रोडक्ट कैन बी यूज एज रॉ मटीरियल अगर आप बाई प्रोडक्ट को कहीं पर रॉ मटीरियल की तरह यूज़ कर सकते हो तो रॉ मटेरियल की क्या रेट होती है उसी रेट पर हम बाई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करेंगे तो चार मेथड है नेट रिलेजल वैल्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट वैल्यू कंपेरेटिव प्राइस और री यूज प्राइस राइट नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है पहला स्मॉल वैल्यू अगर उसकी वैल्यू बहुत कम है डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर उसकी वैल्यू बहुत कम है तो मेन प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट आती है उसमें से हम बाई प्रोडक्ट की वैल्यू को माइनस कर देंगे और या फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट मान लिया जाए रिक्वायर अगर बायो प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एन आर वी नेट रियलाइजेबल वैल्यू इफ एन आर वी इज स्मॉल तो उसको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस कर दो अगर एन आर वी ज़्यादा है तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट मान लो तो बेसिकली बाई प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है अगर वैल्यू बहुत कम है तो आप उसको मेन प्रोडक्ट की वैल्यू में से कम कर सकते हो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से कम कर सकते हो या फिर उसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर सकते हो और अगर वैल्यू ज्यादा है तो फिर आप उसको बायू प्रोडक्ट ही मत मानो फिर आप उसको जॉइंट प्रोडक्ट ट्रीट कर लो राइट अब हमने जो इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए मेनली जो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो है, था जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना ज्वाइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पे कैसे एलोकेट किया जाए इसके लिए हमने बहुत सारे मेथड पढ़े अब एक बार सारे मेथड को हम रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहला मेथड फिजिकल मेज़र इसमें जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में क्वांटिटी के रेशियो में एलोकेट करते हैं अपोर्स एंड जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी एट सेपरेशन पॉइंट क्वांटिटी कौन सी जो सेपरेशन पॉइंट पर है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो क्वांटिटी आती है उस रेशियो में नहीं सेपरेशन पॉइंट पर जो क्वांटिटी है उस रेशियो में हम जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में एलोकेट करते हैं फर्स्ट मेथड फिजिकल मेजर सेकेंड मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट सेपरेशन पॉइंट पर जो मार्केट वैल्यू है मार्केट वैल्यू का मतलब सेल्स वैल्यू सेल्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी कितनी है मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस तो सेपरेशन पॉइंट पर क्या क्वांटिटी है सेपरेशन पॉइंट पर उसकी क्या सेलिंग प्राइस है दोनों को मल्टीप्लाई करो हर ज्वाइंट प्रोडक्ट की आपको सेल्स वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट और उस रेशियो में आप ज्वाइंट कॉस्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट पे एलोकेट कर दो सेकेंड मैथड मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट थर्ड मैथड मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मीन सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के बाद क्या क्वांटिटी होती है मल्टीप्लाई बाय फर्दर प्रोसेसिंग के बाद क्या सेलिंग प्राइस होती है दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आपको मिलेगी और उसी रेशियो में आपको जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता तो जो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट है उसी को हम मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एज्यूम कर लेते हैं राइट नेट रियलाइजेबल वैल्यू फोर्थ मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर है तो ठीक अदरवाइज सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बट अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता तो उसकी जो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट है, हम उसी को नेट वैल्यू एज कर लेते हैं, राइट नेक्स्ट मेथड इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड मेनली हमने जो क्वेश्चन किए थे ये चार मेथड की किए थे फिजिकल मेजर मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और नेट रिला अब कुछ और मेथड भी है जैसे एक मेथड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड ये कहता है कि आप ज्वाइंट कॉस्ट को जो भी आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है उसको सेग्रीगेट करो इसमें कितनी वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट है और इसमें कितनी फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट है तो वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट है उसको जॉइंट प्रोडक्ट पर क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है क्वांटिटी एट सेपरेशन पॉइंट और जो फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट है उसको कॉन्ट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटना है ना वॉट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स वैल्यू में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रिजल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा सारे जॉइंट प्रोडक्ट का उस कॉन्ट्रीब्यूशन के रेशियो में आपको फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको जॉइंट कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करना पड़ेगा और हमें तो क्वेश्चन में दे रखा होगा अगर ऐसा मेथड आता है तो सेकंड है अपोर्स वेरिएबल एक्सपेंसेस इन फिजिकल क्वांटिटी अपोर्स एन फिक्सड एक्सपेंसिस इन द रेश ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज कंट्रीब्यूशन सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेटेड इन स्टेप फर्स्ट तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड कहता है कि वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी एंड जॉइंट कॉस्ट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन इज व्हाट सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट एवरेज यूनिट मेथड कैलकुलेट ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट कैसे बाई डिवाइडिंग टोटल ज्वाइंट कॉस्ट यूनिट्स इनटू टोटल ज्वाइंट कॉस्ट मतलब टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में आपको डिवाइड करना है टोटल ज्वाइंट प्रोडक्ट की यूनिट्स का मान लो आपकी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है टेन लैख रुपीज और आपके तीन ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं जॉइंट प्रोडक्ट ए बी सी मान लो एक यूनिट है ट्वेंटी थाउजेंड बी की यूनिट है ट्वेंटी थाउजेंड और सी की यूनिट है टेन थाउजेंड तो सारे जॉइंट प्रोडक्ट की यूनिट मिलकर कितनी हो गई फिफ्टी थाउजेंड अब आप टोटल जॉइंट कॉस्ट में टोटल जॉइंट प्रोडक्ट की यूनिट्स का डिवाइड कर दो फिफ्टी थाउजेंड ज्वाइंट कास्ट पर यूनिट हो गया ट्वेंटी अब आप ए पर जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करोगे कितनी की यूनिट्स कितनी ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फोर लैख रुपीज़ बी पर जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करोगे बी की यूनिट्स कितने ट्वेंटी थाउजेंड पर यूनिट

इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले तो जीपी रेट कैलकुलेट करते हैं जीपी रेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है टोटल सेल्स वैल्यू आप पहले तो कैलकुलेट करो टोटल सेल्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट है जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट है, है. मान लो तीन जॉइंट प्रोडक्ट है ए बी सी तो ए बी सी तीनों की टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग फिर आप उसमें से माइनस करो टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कैसे आएगी जो भी आपके जॉइंट प्रोडक्ट है उनकी जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसकी टोटल को उसमें से माइनस कर दो टोटल सेल्स वैल्यू में से और टोटल जॉइंट कॉस्ट को भी माइनस कर दो मीन्स आपको टोटल सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से माइनस करना है टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करना है टोटल जॉइंट कॉस्ट द रिजल्ट इज टोटल प्रॉफिट ये प्रॉफिट टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज है आप जीपी रेट कैलकुलेट करो जीपी रेट कैलकुलेट करने के बाद आपको रिवर्स कैलकुलेट करना है रिवर्स कैलकुलेट करने का मतलब यह है हर प्रोडक्ट की जो सेल्स वैल्यू है हर प्रोडक्ट की जो सेल्स वैल्यू है उसमें से आपको वो जो आपने प्रॉफिट के परसेंटेज कैलकुलेट किए टोटल की इंफॉर्मेशन से वो प्रॉफिट के परसेंटेज से आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो आ जाएगी हर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट उस टोटल कॉस्ट में से आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो एंड द रिजल्ट इज हर प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट तो ये मेथड ये कहता है सबसे पहले तो आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो टोटल सेल्स वैल्यू सारे ज्वाइंट प्रोडक्ट की मिलाकर माइनस करो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करो टोटल सेपरेट कॉस्ट माइनस टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर वो दे रखी है तो फिर जीपी रेट कैलकुलेट करो जो आपने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसमें टोटल सेल्स वैल्यू का डिवाइड करके मल्टीप्लाई बंड्रेड फिर आप थर्ड स्टेप है हर प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट निकालो कैसे उस प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू माइनस जो जीपी रेट आपने कैलकुलेट किया उस उतना परसेंटेज आप जीपी माइनस करो उस प्रोडक्ट की सेपरेट कॉस्ट माइनस करो उस प्रोडक्ट की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करो द रिजल्ट इज उस प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट तो आप हर प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो विच इज कॉन्स्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मेथड इसको कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड भी कहते हैं नोट इफ ए प्रोडक्ट इज नॉट फर्दर सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट इज एज्यूमड एज सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस ये पॉइंट मैंने आपको अभी बता भी दिया इफ मैथड इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन अगर मैथड नहीं दे रखा है तो ये मैथड यूज आता है ठीक है मार्केट वैल्यू एट सेक्ट इज गिवन इन क्वेश्चन बहुत बार तो हम रिवर्स कैलकुलेट करके जॉइंट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं अगर प्रॉफिट दे रखा है इन सर सिचुएशन ज्वाइंट कॉस्ट चार्ज सौ तो प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड सेल्स वैल्यू उस प्रोडक्ट की प्रॉफिट जो दे रखा है अगर उसमें कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है तो वो माइनस कर दो और सेपरेट एक्सपेंसेस माइनस कर दो उस प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हो तो ज्वाइंट कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका अगर प्रॉफिट आपको दे रखा है तो सेल्स वैल्यू माइनस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कॉस्ट सेपरेट रिजल्ट इज़ शेयर ऑफ ज्वाइंट ज्वाइंट कॉस्ट उस प्रोडक्ट का ज्वाइंट कॉस्ट में क्या शेयर है वो पता चल जाएगा हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं जिसमें तीन जॉइंट प्रोडक्ट दे रखा है ए का हमने शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट कॉस्ट पता पता कर लिया, पता कर लिया लिया बी का शेयर ऑफ जॉइंट मगर सी के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हमने टोटल जॉइंट कॉस्ट में से ए और बी का शेयर माइनस करके सी का शेयर कैलकुलेट कर लिया ऐसे भी हमने क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए तो बहुत कम थ्योरी है थ्योरी में बेसिक थ्योरी है जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है बाई प्रोडक्ट क्या होता है को प्रोडक्ट क्या होता है जॉइंट प्रोडक्ट वर्सेस बाई प्रोडक्ट किया और बाई प्रोडक्ट का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है बाई प्रोडक्ट का क्या वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकता है ये हमें थ्योरी में दे रखा है और प्रैक्टिकल में हमें जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर कैसे एलोकेट करते हैं उसके मेथड्स दे रखे ओके okay, तो ये चैप्टर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में ओके थैंक यू बाय बाय